नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर के कैंट थाने में तैनात लेडीज कांस्टेबल को पुरुष कांस्टेबल ने गोली मारकर खुद को भी मारी गोली, दोनों की हुई मौत। जालंधर के सदर थाने के अधीन आते गांव लखनपाल ने कुछ लोगों ने तेज तार हथियारों से एक व्यक्ति पर किया हमला, इलाज दौरान हुई मौत। कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुशील कालिया ने जहर खाकर की आत्महत्या। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर के कैंट थाने में तैनात पंजाब पुलिस की लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर की रात को बाबा शेरशाह वली चौक के पास सरकारी एसॉल्ट वेपन से गोलियां मारकर हत्या करने के बाद तलवंडी भाई और मोगा जिले में जाकर कांस्टेबल गुरसेवक सिंह ने भी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हत्या और आत्महत्या के कारणों के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर थाना फिरोजपुर छावनी में तैनात थी और पुरुष कांस्टेबल पुलिस लाइन में तैनात था। इस संबंधी थाना छावनी के SHO नवीन कुमार ने बताया कि मध्य रात्रि को लेडी कांस्टेबल अमनदीप कौर ड्यूटी खत्म करने के बाद फिरोजपुर छावनी से एक्टिवा पर पुलिस लाइन फिरोजपुर की ओर जा रही थी, तो बाबा शेरशाह वली चौक फिरोजपुर छावनी के पास कांस्टेबल गुरसेवक सिंह स्विफ्ट कार पर आया और उसने कांस्टेबल अमनदीप की एक्टिवा में अपनी कार टकराई। जब वह गिर गई तो गुरसेवक ने अपने सरकारी वेपन के साथ उस पर गोलियां चलाई, जिसमें अमनदीप कौर की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस हत्या के कारणों की गहनता से जांच कर रही है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ CC ਓਪਰੇਟਰ ਸੀ ਕੈਂਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 12 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 6-7 ਵਜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਸੇਵਕ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਕੈਂਟ ਥਾਣੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਸਰ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਾਕਫ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਛੂਛਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਨਾਰੰਗ ਕੇ ਸਿਆਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਮੱਲਾਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਛੂਛਕ ਪਿੰਡ। ਲੜਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਾਰੰਗ ਕੇ ਸਿਆਲ। ਸਰ, ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। जालंधर के सदर थाने के अधीन आते गांव लखनपाल में देर रात एक व्यक्ति पर कुछ लोगों द्वारा तेज तार हथियारों के साथ हमला कर दिया गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक व्यक्ति की पहचान राम गोपाल शर्मा निवासी गाँव लखनपाल जालंधर के तौर पर हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के पारिवारिक सदस्यों ने बताया है कि कुछ लोग नशे का कारोबार करते थे और राम गोपाल नशे के खिलाफ लड़ता था, जिस कारण उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। गत रात्रि 3 व्यक्ति काले रंग की कार में सवार होकर आए और आते ही राम गोपाल पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया, जिस कारण राम गोपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही थाना सदर के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पारिवारिक सदस्यों के बयानों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई आरंभ दी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਕਦੇ ਨੂੰ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਕੁ ਘਰ ਆ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆ, ਮੀਤਾਂ ਦਾ ਪਰਾਹੁਣਾ ਆ, ਸੰਜੂ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਖਾ ਆ, ਸੰਜੂ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜੀਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਐਨ ਸ਼ਰੇਆਮ, 3-4 ਘਰ ਆ ਭੀਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਭੀਲੋ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਲਖਨਪਾਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਚੌਂਕੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇ ਸਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਇਹ।
ਲਖਨਪਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗੇ? ਬਸ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਸਰ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਉਹ ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਰਵਾਈ ਬਸ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ? ਇਹ ਜੌਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुशील कालिया उर्फ विक्की कालिया ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया है। पुलिस को इस मामले में सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में सुशील कालिया ने कहा है कि वह पूरे होश में ये लिख रहे हैं कि वह अपने जीवन का अंत करने जा रहे हैं। सबने उन्हें इतना टॉर्चर किया है कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा और इन सबने ही उनका कत्ल किया है। तो वहीं उन्होंने सुसाइड नोट में इन सभी लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाने की मांग भी की है। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। काउंसलर विक्की कालिया ने सुसाइड की हैगी संबंध अस इतने आए हैं, उन्होंने डेड बॉडी इतने हैगी। उन्होंने सुसाइड नोट एक परिवारक मैंबर ने फोटो कापी दी है, एस एच ओ साहब के कोल हैगी। हूँ परिवारक मैंबर ने गलबात होंगी भी जिस हिसाब से स्टेटमेंट लिखाओगे उस हिसाब से फिर उस कार्रवाई की जाऊगी। यह तो सानू तो जो इनफॉर्मेशन मिली भी हॉस्पिटल इदा इदा डेड बॉडी उन्होंने आई है, असं तो इतने आए हैं। परिवारक मैंबर हजे गलबात मेरी नहीं हुई। डॉक्टर ने भी यही कहा पॉइजनिंग केस है। हाँ जी नहीं, ये हजे तो आए ही आए, इतने इनवैसटीगेशन चलूगी, सारी गलबात पता लगेगी। मुढ़ली कार्रवाई तो उन्होंने स्टेटमेंट उन्होंने परिवारक मैंबर की लिख के स्टेटमेंट हिसाब से जो भी जो लिखाओगे उस हिसाब से एफ आई आर दर्ज हो जाएगी। थाना जंडियाला गुरु के अंतर्गत थाना बंडाला के समीप सवीपुर गांव के गोदाम से लुटेरे लाखों रुपए के चावल लूटकर रफू चक्कर हो गए। करीब 50 चोर MCML प्राइवेट गोदाम में गार्ड और चौकीदार को बंधक बनाकर लगभग 1250 चावल की बोरियां ट्रक पर लादकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अमृतसर के एक शेलर मालिक ने ये यहां चावल रखे हुए थे। इस संबंधी गोदाम के प्रबंधक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि करीब 40 से 50 लुटेरों ने गोदाम में रखे करीब 1300 नग लिए। ये सारी घटना गोदाम में रखे चौकीदार और सुरक्षा गार्ड को बंद कर की गई। उसके बारे सानू खबर मिली सी, साडियां पुलिस दी टीमां उत्थे पहुंचियां होईयां। कोई चौलों का गोदाम वो रात बंदे आए, कुछ बंदे जिहड़े चौकीदार आ उन्होंने रोक के उन्होंने कुर्सी ना बन के तो जरा चौलों का हैगा वा काफ़ी गिनती जिहड़ियां बोरियां लद के लै गए ने। उस मौके पर असी साइबर की टैक्निकल तरीके दे नाल असी अपने जो कार्रवाई साड़ी वो प्रैक्टिस चलती है, साड़ियां तीन टीमां लगियां हुई उस केस नूं जल्द ट्रेस किया जाऊ। कहने मुताबिक उन्होंने, बट हुण देखते हैं CCTV फुटेज अगला जो भी मिलता कितों जो भी है तो कर। CCTV कैमरे सारे तोड़ गए हैं तो यह नहीं पता कि गड्डियां माल लै गए हैं, पर तकरीबन 1250-1300 बोरी इतों चौलों की चोरी हो चुकी। बंदे सर किन्ने के हिसाब से? बंदे सर अंदाजन अं कह सकते हैं, देखो जी जेकर मतलब 1200 तोड़ा लैके गए हैं तो अंदाजन घट्टो घट 70-80 बंदे लग सकते भी हो सकते। जी जानकारी मिली उन्होंने हथियार भी है? हाँ जी बिल्कुल सर, जो सू गार्ड दस रहे हैं कि उन्होंने गन पॉइंट के उपर रख के अंदर बनया गया तो 5 बंदे उन्होंने आले दुआले खलोते रहते बाकी चोरी करते। हमारा MCML का गोडाउन है और इस गोडाउन पर सेपलटेक फूड जो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का माल लगा हुआ था और रात को लगभग 1 बजे 30-40 बंदे आए हैं और यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड था, गनमैन था, सबको इन्होंने अंदर ले जाके गोडाउन का ताला तोड़ के फिर अंदर बैठा दिया और उनको बांध दिया। इसके बाद 1250 बैग वो चोरी करके ले गए जिसकी आज की कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास है, बासमती चावल थे। कई दिनों से सुनाम पुलिस को मिली इकलावारिस लाश के वारिस नहीं मिल पा रहे थे और तय समय के बाद उसका पोस्टमार्टम होना भी जरूरी था, जिसके चलते पुलिस ने लाश की फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिससे पता चला है कि मरने वाला संगरूर के उभावार रोड पर ऑयल रिसाइकल प्लांट के मालिक का भाई था। तो वही लाश की पहचान होते ही कत्ल की गुत्थी सुलझा ली गई है, जिससे पता चला है कि दो कर्मचारियों को साथ लेकर तेल खरीदने निकले मृतक ने अपने कर्मचारियों के साथ 3 बार शराब पी, उसके बाद किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया जिसके चलते गले में डाले मफरल से गला घोटकर कर्मचारियों ने अपने मालिक की हत्या कर दी। इस संबंधी जानकारी देते हुए DSP सुनाम भरपूर सिंह ने बताया है कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कर
करवाकर वारिसों के हवाले कर दिया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सानू 21 तरीक न बाद दोपहर एक डेड बॉडी मिली थी बखतौर नगर वाली साइड खेतों तो असी उन्हें रिकवर किया चैक किया कोई बहुत ज़्यादा सट्टा पेटा वगैरह नहीं लगिया सगिया तो उन्होंने असी मोर्चरी च रखता उदियां फोटो से जिहड़ियां सर्कूलेट कीतियां वख वख वट्सएप ग्रुपां दे विच तां कि उहदी शनाख्त आ जिहड़ी करवाई जा सके। 72 घंटे लई रखना हुंदा है। 72 घंटे रखण तों बाद असीं उहदा पोस्टमार्टम करवाउणा शुरू कर लिया 25 तरीक नूं। मेन टाइम दे विच साडे कोल इक रणजीत सिंह नाम दा बंदा ते इक पाली सरपंच साबका सरपंच अब्बावाल दा उह आए। उन्होंने डेड बॉडी की शनाख्त मनजीत सिंह के तौर पर की। अबोहर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब चार युवकों को बड़ी संख्या में चोरीशुदा मोटरसाइकिल, साइकिल और मोबाइल फोन सहित काबू किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी अबोहर सुखविंदर सिंह ने बताया कि थाना सिटी 2 की पुलिस ने क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चार युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास अलग अलग कंपनियों के 84 मोबाइल फोन, 10 मोटरसाइकिल, 4 साइकिल और 1 स्कूटी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। राजेंद्र कुमार पुत्र चिमन लाल वासी ठाकुरबादी इन्हों का यह सीगा कि इन्हों का जुत्तियों की दुकान हैगी है, उतो इन्हों का चमड़ा तो DVR चोरी होया। उस इनफॉर्मेशन के आधार पर असी मुकदमा नंबर 4 असी रजिस्टर किया। उसनों इनवैसटीगेट करते हुए असी अपन वक् वक् टीम बनाईया, सिटी 2 थाने की टीम बनाई है, साढ़े स्पैशल ब्रांच के इंचार्ज नवदीप शर्मा जी इन्हों की एक टीम बनाई सी। असी उस वारदात को इनवैसटीगेट करते हुए असी उस 3 बंद अरैसट किया। असी जो रिमांड पर लिया तो उन्होंने पूछगिछ के दौरान उन्होंने वालों सामने आया कि जेडे उस चोरी तो इलावा भी उन्होंने मोबाइल फोन ते मोटरसाइकिल वगैरह जो चोरी किए हैं। वह मोटरसाइकिल एक हैप्पी हरविंदर सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र कुलदीप सिंह वासी फाजिलका रोड इन्हों वेच देंदे हैं। कपूरथला की पुष्पा गुजराल साइंस सिटी के प्रांगण में डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग किस्म और ब्रीड के खूबसूरत और खुखार कुत्तों को इस शो में शामिल किया गया। दरअसल मानवीय जीवन में पशु प्रेम की श्रृंखला में पालतू कुत्तों का एक अलग ही स्थान रहा है और अभी तक कुत्तों की 339 ब्रीड खोजी गई हैं, जिनको 10 ग्रुपों में बांटा गया है। साइंस सिटी में आयोजित इस डॉग शो में 200 से ऊपर कुत्तों ने भाग लिया और इनमें से 40 के करीब अलग अलग ब्रीड के कुत्ते शामिल थे, जिनमें जर्मन शेफर्ड, लेब्रा, पिटबुल, अमेरिकन हस्की, बुलडॉग, राजपलैम, इंडियन मैस्टिफ, हिमालय शीप, फ्रेंच मैस्टिफ, पॉइंटर मुख्य ब्रीड थी। इस शो के दौरान कुत्तों को अलग अलग गेम्स में भी शामिल किया गया, तो वहीं डॉग शो के इस आयोजन को लेकर साइंस सिटी के प्रबंधकों ने काफी खुशी जाहिर की। मेरा नाम जी शान है, मैं आज समॉइड लेके आया हैंडल करने। वैसे 5 डॉग्स है साडे कोल उधर टेंट ते है, ते हजे समॉइड दी क्लास आन लगी है, ता इहदा शो करन लगा मैं। हेला ए हैगी है साइबेरिया दी। ਸਰ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪੱਡੀ ਦੇ ਲਾਗੋਂ, ਅਤੇ ਸਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਡੋਗ ਸ਼ੋ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਕੀਨ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਏਜ ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਹਜੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੁੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਬਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੌਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਡੌਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੌਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡ ਦੇ ਡੌਗਸ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੌਗਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਪੋਕਿਟ ਪੋਕਿਟ ਆ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਐਕਸਲ ਆ, ਡਬਲ ਐਕਸਲ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰੀਡ ਆ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਬੋਲੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਡੋਗ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਡੋਗ ਦੀ ਬਰੀਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਵਰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। तरन तारण के कस्बा पट्टी में वेरका डेयरी के पास अमृतसर से घर जा रहे एक व्यक्ति की कार संतुलन बिगड़ने से दीवार में जा टकराई, जिसके कारण कार चालक अंकित मोंगा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उपचार हेतु अमृतसर के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जाँच में जुट गई है। भिकीविंड से हलचल के लिए भूपिंदर सिंह की रिपोर्ट। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਤਰਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਕੀ ਰੇਸ ਰੂਸ ਅੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬਚਾਅ? ਹੋਇਆ ਆ, ਬੰਦੇ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ? ਇਕੱਲਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਵੀਰ ਦਾ? ਅੰਕਿਤ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਟ ਥੱਲੇ ਰੇਸ ਉੱਡ ਕੇ ਅੜ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਚੱਲੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ। फिरोजपुर शावनी क्षेत्र में सनातन धर्म मंदिर के साथ भारत विकास परिषद ने सीता रसोई की शुरुआत कर मात्र 20 रुपए में लोगों को पेट भर खाना खिलाने के लिए कदम बढ़ाया है, जिसमें हर रोज 150 के करीब लोग खाना खा रहे हैं। इस संबंधी भारत विकास परिषद के प्रधान विशाल गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सीता रसोई का नाम से मात्र 20 रुपए का खाना खिलाने की शुरुआत की है, जिसमें सब्जी, दाल, चावल और रोटी रोजाना दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक खिलाई जाती है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति आकर खाना खा सकता है। उन्होंने कहा है कि उनकी संस्था में कई दानी सज्जन भी अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके सहयोग से ये रसोई 2 महीने से लगातार चल रही है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। जी, मैं विशाल गुप्ता, भारत विकास परिषद फिरोजपुर छावनी से बतौर प्रधान इतने सेवा निभा रहे हैं साल तो। ये भारत विकास परिषद के अंडर सीता रसोई चलाई गई है, जिस दे विच 20 रुपए दे विच भर पेट खाना दिता जाता है। जेकर कोई भोजन पैक करा के लैके जाना चाहता है, पैक भी करा के लै जाता है। इनका मकसद है जरूरतमंद हरेक धर्म हरेक वर्ग के लोगों का पेट भरना, उन्होंने विश्वास बनाना, तो उन्होंने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए 20 रुपए थाली का रेट रखा गया है, ताकि इतने कोई खाने भी शर्म ना कर सके। तो इतने साढ़े लगभग 2 महीने हो गए ने, जिंद भी 125 लोग जोड़े आदि तदार है, 125 लोग रोज़ खाना खा के जाते हैं, तो काफ़ी समाज वालों भी इतने सहयोग मिल रहे हैं। चकदे जलंधर ने शॉपिंग मॉल के दीवाने जलंधर वासियों को हर साल की तरह इस साल भी एक बेशकीमती उपहार दिया है। चकदे जलंधर ने होटल रिजर्ट पार्क में गत दिवस लूट बाजार के रूप में धमाकेदार सेल की शुरुआत की है। इस 2 दिवसीय महासेल में एक ही छत के नीचे जलंधर वासियों को पसंद की एक से बढ़कर एक वैरायटी उपलब्ध करवाई गई है। ये जानकारी सेल के आयोजकों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने बताया है कि महानगर के लोगों को अक्सर चकदे जलंधर की हर साल लगने वाली धमाकेदार सेल का इंतजार रहता है। इसके इंतजार की सारी घड़ियां खत्म होते ही सेल की शुरुआत में बड़ी संख्या में जलंधर वासियों ने यहां पहुंचकर अलग अलग स्टॉल पर उपलब्ध करवाई गई एक से बढ़कर एक वैरायटी की जमकर खरीदारी की। इस दौरान ग्राहकों का उत्साह देखते ही बनता था। जलंधर से हलचल के लिए प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। Hi Jalandhar, so this is Saisha again, and well, we all know that Chakde Jalandhar's end of season sale, Loot Bazaar, is already running today at Hotel Regent Park. So I just want to appeal every one of you sitting at your homes, don't forget to drop in tomorrow and shop your hearts out with us, because we have huge discounts, offers and deals waiting for you tomorrow. So yeah, come and shop with us and help our homegrown brands. Thank you.
रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष में चौथी प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान स्त्री सत्संग सभा की प्रधान बंती देवी, कृष्णा देवी, रमा देवी, संतोष रानी, उषा रानी, सुमन लोच ने भी श्री गुरु रविदास जी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा की। ये प्रभात फेरी रसीला नगर स्थित पाठी यशपाल के निवास स्थल पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों में यशपाल पाठी, विमला, तरसेम लाल, रेखा, जतिन, रेणुबाला, रीटा, गुरदास राम मल, किशोर कुमार ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, प्रदीप थापा, पवन अत्री, बलबीर लोच, रतन लाल, चमन लाल पाठी, जंग बहादुर, लाडी अंगुराल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जलंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 646ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਦਰਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜਸ਼ਪਾਲ ਪਾਠੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਪਤਨੀ ਵਿਮਲਾ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਖਾ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਜਤਨ ਜੀ, ਪਤਨੀ ਰੇਣੂ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਰੀਟਾ ਜੀ, ਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਔਰ ਆਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੀ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਸ਼ਪਾਲ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। माँ मंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में संपूर्ण फलदायी मासिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई गई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा धन है जो मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ता और अंत तक साथ देता है, इसलिए अगर कोई धन एकमात्र करता है तो प्रभु नाम का करे। इस अवसर पर श्री कंठ जज राजेश प्रभाकर, संजीव सौंधी, रविंद्र बांसल, हैरी जज विवेक सहगल, बाबा जोशी, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, मुनीश शर्मा, किशोर शर्मा, यजदत्त, ज्योति चड्डा, किशोर शर्मा, अमरजीत सिंह, जोगिंदर सिंह सहित असंख्य श्रद्धालु मौजूद थे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें रंजीत आर्या, अनु आर्या, सुनीत भाटिया, डिंपल भाटिया ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर विद्वान आचार्य अरविंद शास्त्री दीनानगर वाले ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को संपन्न किया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पोडवाल ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल और रंजीत आर्या ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान अश्विनी डोगरा द्वारा मुख्य वक्ता के तौर पर हाजिरी लगाई। जलंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित तनेजा के छोटे भाई वरुण तनेजा की 8 साल की बेटी सौम्या का 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर निधन हो गया था, जिसका अंतिम संस्कार 27 जनवरी को सुबह 11 बजे बस्ती गुज्जा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा और जनरल सचिव राजेश बागा और भाजपा नेता महेंद्र भगत ने अमित तनेजा के घर पहुंचकर परिवार के साथ दुख साझा किया। इसके अलावा विधायक शीतल अंगुराल की ओर से भी अमित तनेजा के घर पहुंचकर परिवार से दुख साझा किया। जलंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं पर्सनली अफसोस करना आया, छोटा जा बच्चा जिनमें के जीवन में कई बार देखनी परिवार दी कई इच्छावां आकांक्षावां जुड़िया रहनिया और अचानक उदा चले जाना अपना परिवार है, इस करके अफसोस प्रकट करना है। अज बहुत ही दुख की गल है कि मेरे बहुत ही सत्कारयोग मेरे वड्डे भाई अमित तनेजा जी, उन्होंने घर के एक दो दिन पहले बहुत वड्डी जिहड़ी परमात्मा वल्लों एक घटना हुई कि साडी जिहड़ी भतीजी अचानक 8 साल की जिहड़ी वरुण तनेजा जी की वड्डी बेटी सी वो इस दुनिया तो चल वसी। पर अज जिथे समाज के वख वख राजनीति पार्टियां के लोग, क्योंकि इस परिवार का बहुत वड्डा नाम है जलंधर शहर के, अज वख वख पार्टियां के लोग समाजिक लोग जिहड़ा घर के परिवार नाल अफसोस करन आ रहे हैं। पर जिहड़ी कल बच्ची की जिहड़ी अंतिम अरदास रखी है, एक तो दो गीता मंदिर मॉल्टन च रखी है। मैं अपने वालों अपने सारे साथियों वालों जलंधर वैस्ट वालों इस तनेजा परिवार नाल दुख साझा करदा, तो प्रभु के चरणों च ही बेनती करदा कि उस बेटी नूं अपने चरणों च लगान, तो जो भी पिछे परिवार दुख सहन जिहड़ा एड्डा वड्डा घाटा पिया उसनों सहन की शक्ति दे। अज असी
अमित तनेजा जी दे छोटे भाई वरुण तनेजा जी की बेटी जो अचानक जिसकी मौत हो गई उसका दुख प्रकट करने लिए घर आए थे पंजाब प्रधान अमित सिंह जी आए थे और बहुत ही परिवार लिए और साढ़े सारे वास्ते दुख की गल है कि एक बच्ची जिसने बड़े प्यार लाडा के नाल माँ बाप पाल लिया सी वो अचानक ही चली गई और बहुत दुख भरा समा भी और गल भी हैगी है। मैं परमात्मा की अरदास करना परमात्मा इस बच्ची अपने चरणों स्थान देना और परिवार को जो बहुत बड़ा दुख होया है। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज स्वामी शांतानंद जी महाराज पूर्व मेयर राकेश राठौर पूर्व विधायक सुशील रिंकू भाजपा नेता सनी शर्मा रमन पब्बी मोनूपुरी बाबा चरणदास और दविंदर भारद्वाज ने भी तनेजा परिवार को इस दुखी घड़ी में हौसला प्रदान किया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। फिरोजपुर के कैंट थाने में तैनात लेडीज कांस्टेबल को पुरुष कांस्टेबल ने गोली मारकर खुद को भी मारी गोली, दोनों की हुई मौत। जालंधर के सदर थाने के अधीन आते गांव लखनपाल ने कुछ लोगों ने तेज तार हथियारों से एक व्यक्ति पर किया हमला, इलाज दौरान हुई मौत। कांग्रेस के पूर्व पार्षद सुशील कालिया ने जहर खाकर की आत्महत्या। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती है और ताजा जानकारी के लिए देखते रहें हलचल।